गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो होने वाला है हमारी अपाची आरटीआर 164V स्पेशल एडिशन में। ये गाड़ी मैंने ली थी अराउंड 2022 में, इसको ऑलमोस्ट एक साल हो गए और एक्सपीरियंस देखा जाए तो काफ़ी अच्छा रहा है। मुझे कुछ ज़्यादा इशू फेस करने नहीं पड़े। हाँ, थोड़े वाइब्रेशन इशू आपको आते हैं अराउंड 90 के स्पीड के करीब, तो फिर भी वो नॉर्मल होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा होने वाला है इसकी मॉडिफिकेशन में। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें एग्जॉस्ट इंस्टॉल है, इसका टेल टाइडी हमने चेंज किया है। तो चलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं अपने फ्रंट पार्ट से। तो देख सकते हैं, आप सबने नोटिस किया होगा कि अपाची की जो नॉर्मल हेडलाइट आती है वो देखा जाए तो काफ़ी उतनी खास नहीं लगती, मतलब बोरिंग टाइप लगती है। तो हमने इसको थोड़ा ब्लैक सा स्मोकी रैप करवा दिया, जिसकी वजह से लुक इसका देखिए काफ़ी अच्छा आता है, अब दूर से देखने में अच्छी लगती है। उसके बाद हमने जो सेकेंड चीज़ इसमें चेंज की है वो है इसका हैंडल बार। हैंडल बार मैंने क्यों चेंज किया था, क्योंकि मेरी गाड़ी जो गिर गई थी उसके बाद वो रिप्ले ये बैंड रिमूव करने का और जो रिप्लेसमेंट का कॉस्ट था मुझे सेम आ रहा था, तो उससे अच्छा मैंने सोचा इसको रिप्लेस ही करवा लिया जाए। तो ये जो हैंडल है ये FZ V1 का हैंडल है। मैं आपको इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जाके चेक कर सकते हैं, आपको अराउंड 400 कुछ पड़ जाएगा फ्लिपकार्ट। तो जो सेकंड पार्ट है हमारा वो हमने टैंक में आप देख सकते हैं जो काफ़ी इसका खाली टाइप का टैंक आता है, तो इस पर हमने स्टिकरिंग कराई है। लाइक आप कुछ भी करा सकते हैं जो आपका मन करे। तो इससे देखिए देखने में काफ़ी लोग मेरे से पूछते हैं कि ओरिजिनल लगता है, ये स्टिकरिंग दिखता नहीं है देखने में। तो उसके बाद जो हमारी फोर्थ चीज़ आ जाती है वो है हमारा ये प्रो डिस्क कवर, जो आप देख सकते होंगे आजकल काफ़ी ट्रेंड में चलता है, इंस्टाग्राम सब में लोग अपनी बाइक्स में डालते हैं इसको। देखिए इसको डालने के बाद इसमें लुक काफ़ी उभर के आ जाता है बाइक का। ये मुझे अराउंड पड़ा था 700, फ्लिपकार्ट से मैंने ऑर्डर किया था और फिटिंग चार्ज करके मेरे को अराउंड पड़ गया था 1000 तक ये। उसके बाद जो हमने इसका है टायर चेंज किया है, क्योंकि जो इसका नॉर्मल टायर जो आता है वो काफ़ी 130 सेक्शन का रहता है, तो उतना खास नहीं दिखता देखने में। तो हमने इसका टायर चेंज किया है 140 सेक्शन में। ये मैंने एक्चुअली सेकेंड हैंड टायर लगवा था, क्योंकि नया मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा था। और उसके बाद जो है हमारा टेल टाइडी हमने चेंज किया है। टेल टाइडी अगर जो आप देखेंगे जो स्टॉक टेल टाइडी आता है वो उतना खास नहीं दिखता, काफ़ी कम्यूटर टाइप बाइक का दिखता है वो, यहाँ तक दिखता है। फिर उसके बाद हमने जाए इसका मड हगर भी निकाल दिया है, तो ये मेरे को यहाँ से ये आप देख सकते हैं यहाँ से जो है ओपन हो जाता है ये इजीली। तो यहाँ से आप ओपन करके ये मैंने टेल टाइडी मुझे अराउंड 250 का पड़ा था। उसके बाद ये KTM के मैंने इंडिकेटर लगाए हैं जो अराउंड 250 पर पीस पड़ गया, तो ये इसका जो पार्ट है ये मुझे पड़ गया था अराउंड 700-800 फिक्सिंग चार्ज सब मिला के। तो हमारा जो लास्ट मॉडिफिकेशन आ जाता है वो है हमारा एग्जॉस्ट। तो ये जो है ये एक्रोप्रोविक का एग्जॉस्ट है जो मुझे अराउंड पड़ा था 4000 मार्केट में, और इसका जो फिटिंग चार्जेस मुझे मिला के पड़ गया था अराउंड 6K 2K मेरे को फिटिंग चार्जेस पड़ गया था। ये जो है मैंने स्लिप ऑन एग्जॉस्ट लगाया एक्चुअली, इसे मैंने फुल सिस्टम नहीं किया है। इसका रीज़न ये है कि आप जानते हो कि फुल सिस्टम जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, और अगर हम फुल सिस्टम करवाते हैं तो हमारा कैटलेटिक कन्वर्टर भी निकल जाता है, उसकी वजह से हमें EUC रिमैपिंग वापस करवानी पड़ती है शोरूम से। तो मैंने बात की थी शोरूम वालों से तो वो जल्दी रेडी नहीं हो रहे थे करने को, वो बोल रहे थे कि हम आफ्टर मार्केट चीज़ों में नहीं करते जिससे आपकी गाड़ी की वारंटी चली जाती है। तो ये एक रीज़न था कि मैंने स्लिप ऑन एग्जॉस्ट ट्राई किया उससे बेटर। तो ये सब पड़ गया था मुझे अराउंड 6K इसका। तो चलिए अभी मैं आपको इसका एक बार आवाज़ सुना देता हूँ एग्जॉस्ट का। कमेंट करके बताइएगा आपको आवाज़ कैसी लगी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है, ज़्यादा लाउडी भी नहीं है, क्लियर बेस है, मतलब काफ़ी शांत है। अगर आप इसे ट्रैफिक में चलाते हैं और इनकेस अगर आपको कोई पुलिस दिखते हैं तो आप इसका एक इजी सॉल्यूशन कर सकते हैं, अगर आप अपनी गाड़ी को थर्ड गियर पर डाल देंगे तो इसका साउंड जो है वो नॉर्मल हो जाता है, आप थर्ड गियर में डाल के इसको आराम से निकाल सकते हैं, किसी पुलिस को भी पता नहीं चलेगा। वैसे मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप जाके ये सब इलीगल चीज़ें करें, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में जो एग्जॉस्ट है वो इलीगल होते हैं। तो हाँ, ये मुझे ऑल टुगेदर मेरी गाड़ी की मॉडिफिकेशन मुझे मिला के पड़ गई है अराउंड 25K मुझे कॉस्टिंग आई, 25-20K। इसमें और भी काफ़ी मॉडिफिकेशन थी, जैसे कि मैंने एक वाइजर लगाया था वो मैंने निकाल दिया क्योंकि जो क्लैम्प था वो शेक हो रहा था बार बार। तो अभी जो रिसेंटली आपको पता हो कि TVS ने जो है लॉन्च किया है ये वाइज़र BS6 मॉडल के लिए, तो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ, मेरे नियरेस्ट शोरूम में अभी वो तक वो आया नहीं है, तो जैसे ही आता है वापस इसमें वाइज़र डाल सकते हैं जिससे वो वापस शेक नहीं होगा। तो गाइस ये था आज का वीडियो हमारी RTR 160 मॉडिफिकेशन के बारे में। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, ड्राइव सेफ़।